अच्छा पिते की पथरी ये पिते की ही नहीं किडनी की गुर्दों की भी पथरी, उसके लिए लोअर बॉडी की एक्सरसाइजेस खास तौर पे पेट की एक्सरसाइजेस बहुत ही फायदेमंद है। पिते की पथरी वालों के लिए एक मैं देसी नुस्खा भी बताता हूं, पपीता। आम इधर मिल जाता है पपीता, कोशिश करें सुबह को एक तोला पपीते की जड़, ताजा जड़, जड़ नीचे से उसकी कोई ताजा सी इतनी सी निकाल लें, वो सुबह को ऐसे भी खा जाए, यानी आप उसको ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश सुबह पपीते की जड़ जो उसको खा दें, तो धो के साफ सुथरा करके। ये एक नेचुरल एक नुस्खा है पित्ते की पथरी से निजात का। इसके अलावा ये एक्सरसाइज है और पेट की एक्सरसाइज भी मैं इस पे करवाता हूं आपको किडनीज के लिए, भूख करते रहिए। घर का वो सिंक होता है ना किचन का, जहां पे बर्तन बर्तन धोते हैं, उसके नीचे आप देखिए अक्सर इतना गोला सा बन जाता है, पाइप बंद हो जाते हैं, वो यूज कर करके वो ऑयल उसमें से गुजरता है और कचरा गुजरता है। सेम ऐसे हमारी बॉडी का ये जो हिस्सा है नीचे वाला, किडनीज है, ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर, पित्ता, और ये हमारे बॉडी का यानी आप ऐसा समझिए ड्रेनिंग, बाहर जाने का कसावटें, पेशाब पखाने वाली जगह। अगर किसी का ये निजाम क्लियर नहीं है तो उसकी बॉडी के अंदर बीमारी बन सकती है। जब बॉडी को मूव नहीं करेंगे तो क्लियरेंस कैसे होगी, कैसे वो सफाई साफ सफाई होगी? हमारी बॉडी प्रॉपर मूव नहीं होती, और जो हम यानी हमारे जो भी पेशाब पास होता है, पखाना पास होता है, उसको और बेहतर अंदाज से साफ होना चाहिए। लोग जो है उनको 24-24 घंटे पखाना नहीं आता, दो दिन उनका मोशन क्लियर नहीं होता है, उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज करें। आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं रहेगी, मूव करते रहिए। ओके, दोनों आप पीछे ले जाए, दोनों फॉर्म में थोड़ा फासला, 1-2। अब ये एक्सरसाइज थी, ये भी है, आपने भी पूछा, ये भी पेट के तमाम की हिस्सों की एक्सरसाइज है। ओके, जब पोंख से पोंख उठने के साथ घुटना, 1-2-3, या दूसरी तरफ 4-5-6-7-8-9-10 एंड 10। ऐसे बैठे, अब इसे हिस्से को ये देखते हैं, पेट वाले हिस्से को, ये एक्सरसाइज थी, पेट वाले हिस्से को मूव कीजिए, लेफ्ट टू राइट, 1-2-3-4-5-6-7, नाउ राइट टू लेफ्ट, 1-2-3-4-5-6-7। पेट की तमाम बीमारियां पेट की, ज्यादा उसकी जो बुनियादी वजह है वो है ही कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, मोशन का प्रॉपर टाइम पे क्लियर ना होना। इस पे खास ध्यान दें, ये कब मुमकिन होगा कि इजी आप बिल्कुल एक इस पेट की बीमारियों से या पेट की परेशानियों से निकले, इसके लिए आपको मेंटली रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। जो बंदा हर वक्त फिक्र मान रहा है ऐसा नहीं वैसा है फलां ढमका, उसके मेदा जो है उसकी अंतड़ियां जो है वो ड्राई हो जाती है, सुगड़ता है उसका ये पूरा निजाम, तो ये हमारा ये कैसे हो क्लियर? इसके लिए आपको इन एक्सरसाइजेस से ज्यादा कोई चीज फायदा नहीं दे सकती। वो मेडिसिन लेंगे, वो थोड़ा सा वक्ती टेम्परली आपको रिलीफ मिलेगा, फिर आप वैसे के वैसे हो जाएंगे।